जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल सही पढ़ा है। इस वीडियो में आपको आपके सिम कार्ड के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में हम बताएंगे जिससे आपको सही करते हैं, आपका इंटरनेट स्पीड बहुत तेज से काम करता है। दोस्तों, कई बार हम कहीं जाते हैं, बैंक ऑफिस या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा तो इंटरनेट बहुत स्लो काम करता है, लेकिन वो अंदर के जो कर्मचारी बैठे रहते हैं उनका स्पीड कैसे काम करता है, आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों, उनके मोबाइल की जो सेटिंग होता है वो कुछ इसी प्रकार से किया जाता है, तो उसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जिसे आप भी कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल का भी इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। और हाँ, जो भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट है वो हमारे पास हमेशा मैसेज करते रहते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने सिम कार्ड के सेटिंग को चालू करते हैं जिससे हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा से काम करने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो उससे आपको नहीं समझ में आएगा और आपका इंटरनेट स्पीड जैसे के तैसे रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको अच्छा से बहुत अच्छे से देखना है, तब भी आप अपने सिम कार्ड के सेटिंग को अच्छा से सेटअप कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि अपने सिम कार्ड के सेटिंग को कैसे सेटअप करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ऑल करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सेटिंग ओपन करेंगे। देखिए, हमारा सेटिंग ओपन हो चुका है। सेटिंग ओपन होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर हम टच करेंगे। और जैसे ही आपका ओपन हुआ, कि आपका सिम वन और सिम टू दोनों शो करना है, आप जिसका चाहते हैं उसका चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम दोनों का चेंज करें तो आप एक का देख लीजिएगा, उसी प्रकार से आप सिम टू सिम अपने दोनों का कर सकते हैं। तो हमें जिसको करना है उसको हम टच करेंगे। चलिए, हम सिम वन को करना है तो सिम वन को टच करेंगे और उसके बाद आपको ए वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्सेस पॉइंट नेम, इसको हमको टच करना है। और जैसे ही इसको आप टच कीजिएगा तो देखिए, यहाँ पर APN सेटिंग आ चुका है। दोस्तों, यह सिम मेरा जियो का है, तो ये नहीं कि सिर्फ हम जियो सिम का कर सकते हैं, हम किसी भी सिम का कर सकते हैं। दोस्तों, सभी सिम का नेटवर्क का सोर्स एक ही होता है, बस ऐसे उनका कंपनी अलग अलग होता है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी होगा सिर्फ नाम ही अलग रहता है, लेकिन नेटवर्क सोर्स एक ही रहता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी कंपनी के सिम का सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए सेटिंग में देखते हैं कि कौन सा सेटिंग हमें करना है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेव हुआ पहले से APN, इस पर हम टच करेंगे। देखिए, यहाँ पर तीर का आइकन दिया है, इस पर हम टच करेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्सेस पॉइंट, इसी एक्सेस पॉइंट को हमें चेंज करना है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा कोई बताता है, इसको आप चेंज कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ नीचे जाना है और नीचे में आपको देखिए यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको टच करना है। देखिए, हमको यहाँ पर नेट सोर्स होता है, ये नेट एक सोर्स होता है, उसी टाइप के बारे में पूछता है। जैसे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको किस सोर्स, यानी आपका जो टाइप है वो कौन सा टाइप आपको मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पहले से हमारा नोन है। देखिए, यहाँ पर लिखा है PAP और एक लिखा है CHAP और एक लिखा है PAP या CHAP। तो इसका मतलब है कि आप किस टाइप से अपने इंटरनेट कनेक्शन को लेना चाहते हैं। तो पहले से हमारा कोई नहीं दिया, इसलिए हमारा इंटरनेट स्पीड कभी कभी नहीं काम करता है, कहीं हम जाते हैं हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो उसके लिए हमें एक नहीं, हमको दोनों कर लेना है। तो उसके लिए हम इस दोनों वाले पर कर लेना है ताकि हम कभी कहीं जाएँ तो कोई भी टाइप हमें मिले तो हमारे मोबाइल उसे एक्सेस कर पाए, इसलिए हम इसे दोनों पर टच कर देंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है APN प्रोटोकॉल, इस पर आप टच कीजिएगा तो कहीं शायद ये आपका IPv4 या IPv6 रहेगा, तो इस पर ठीक है, नहीं तो इस दोनों में से कोई रहेगा तो आप इसको दोनों कर लीजिए ताकि आपका कोई भी मिस न कर पाए, आपका कोई भी कनेक्शन आए तो आपका मोबाइल उसे पकड़ ले। और देखिए, यहाँ पर लिखा है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, कभी आप भी रोमिंग में जाते हैं तभी आपका इंटरनेट नहीं काम करता है, तो फिर से आपको इस पर टच करना है, आपको इसको भी दोनों में कर लेना है ताकि आपका इंटरनेट रोमिंग में भी अच्छा से काम करे। अब से सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप नीचे जाइएगा तो देखिए, यहाँ पर लिखा है बेरर, इस पर हम टच कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया है जिससे हमारा इंटरनेट कनेक्टेड रहता है। तो देखिए, यहाँ पर LTE दिया है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें भी आपका कोई नहीं सेव रहता है। तो ऊपर से इसमें आपको 4-5 कर लेना है। चलिए, ऊपर से हम 5 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ऊपर वाले एक को छोड़ के हम 5 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप ओके कर देंगे और जैसे ही ओके कर दीजिएगा तो आपका सेटिंग्स पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए देखिए, यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन दिया है, इस पर हम टच करेंगे। और देखिए, यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिया है, इस पर हम सेव कर देंगे, जिससे हमारा न्यू APN सेटिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद से आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा से काम करने लगा, अच्छा से नहीं बहुत अच्छा से काम करने लगेगा। और उसके बाद से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को ओपन कीजिएगा तो आपका इंटरनेट बहुत अच्छा से काम करने लगेगा। यदि नहीं कर रहा है तो अपने मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड में डालकर रिबूट कर दीजिएगा और उसके बाद से ओपन कीजिएगा तो आपका जो APN सेटिंग होगा आपके सिम पर पूर्ण रूप से अप्लाई हो जाएगा, जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेजी से काम करने लगा। इस प्रकार से अपने सिम के APN सेटिंग को चेंज कर इंटरनेट कनेक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, घंटी में ऑल करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।